काली नागिन शेषा और विष से भी विषैली विशाखा के बाद नागिन सीजन 6 में बहुत ही जल्द होने वाली है आदि नागिन वाणी की एंट्री। नागिन 6 में बहुत ही जल्द होने वाली है आदि नागिन वाणी की एंट्री यानी सुरभि संजना की एंट्री। सुरभि संजना की आने के बाद होने वाली है नागिन 6 में बहुत सारे धमाके, तो उनके आने से नागिन 6 में क्या ट्विस्ट देखने को मिल सकता है आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नागिन 6 में अभी हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिल रहा है पर शेषा महक विश्वी विशैली विशाखा और सीमा मिलकर पार्थना पर घातक वार कर रहे हैं, जहां पर पार्थना बिल्कुल अकेली हो गई है, उसके पास कोई मदद के लिए भी नहीं है। जो ताक्षक नाग था वो उसको भी विश्वी विशैली विशाखा मारने वाली है। तो पार्थना की मदद करने के लिए नागिन 6 में बहुत ही जल्द होने वाली है आदि नागिन वाणी की एंट्री यानी सुरभि संजना की एंट्री। तो सुरभि संजना आएगी पार्थना की मदद करने के लिए, जहाँ पर पार्थना अभी तो बिल्कुल अकेली है, तो आदि नागिन और शेष नागिन मिलकर करेंगे विशाखा महक ऊपर बार। तो कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट आने वाली है आदि नागिन की एंट्री से, जहाँ पर नागिन सीजन 5 ने हमने आदि नागिन के रोल में देखा था सुरभि संजना को, जो बानी के किरदार में फैंस ने काफी ज्यादा उनको पसंद किया था, जहाँ पर वो हमें एक लाल कलर की नागिन के रूप में देखने को मिली थी। जहाँ पर नागिन सीजन 6 के बसंत पंचमी के एपिसोड में भी हमने उनको एक बहुत ही ज़रा इम्पोर्टेंट रोल में देखा था। तो बानी आएगी नागिन सीजन 6 में पार्थना को दिलाने के लिए नौ मानियों की शक्तियाँ, जहाँ पर नानी माँ की पायल और नौ मनिया अभी है शेषा और महक के पास। तो बहुत ही जल्द आएगी बानी देने के लिए पार्थना को वो नौ मनिया और जो नानी माँ की पायल जो उनके पास है उनको वो वापस लाएगी। जहाँ पर आदि नागिन सबसे पहली नागिन है जो हमने नागिन सीजन 5 में देखा था, जहाँ पर शिवजी ने पहले जो नागिन है उसे ही सुना था जो उनको वरदान दिया था इच्छाधारी होने का। तो पहली जो नागिन है यानी आदि नागिन, खबर ये भी निकल रही है बानी के साथ नजर आने वाली है आपके फेवरेट बेला यानी सुरभि ज्योति। लेकिन सुरभि ज्योति हमें ग्रैंड फिनाले के एपिसोड में ही नजर आने वाली है, उससे पहले ही हम आदि नागिन बानी को देखने को मिलेगी नागिन सीजन 6 में, जहाँ पर सुरभि संजना कुछ समय पहले कलर्स टीवी के शो शेरदिल में नजर आ रही थी मनमीत के किरदार में। लेकिन अभी जो शो है वो ऑफ एयर हो गया है, तो अभी सुरभि संजना तो किसी भी शो में नजर नहीं आ रही है। तो नागिन 6 में बहुत ही जल्द हो सकती है सुरभि संजना की एंट्री, जहाँ पर विशाखा और शेषा की एंट्री के बाद भी नागिन 6 की टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। शेषा की एंट्री से नागिन 6 की टीआरपी 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ था, लेकिन उसके नेक्स्ट वीक ही शो का टीआरपी 2 पॉइंट्स कम हो गया है। विशाखा के एंट्री के बाद भी टीआरपी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ 1.5 की टीआरपी निकल कर आ रही है। तो आदि नागिन बानी की एंट्री से बढ़ सकती है नागिन 6 की टीआरपी। तो आपको क्या लगता है नागिन 6 में बानी की एंट्री से क्या क्या नया ट्विस्ट आने वाली है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।